नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के सभी जिलों में स्थित थानों में अब महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। महिला थाना होने के बावजूद भी सभी जिलों के थानों में महिला हेल्प डेस्क बनेगा। बिहार के पुलिस मुख्यालय ने यह निर्णय लिया है। दरअसल राज्य के थानों में खुद की समस्याओं से जुड़ी अपनी बात थाना के पुरुष थानेदार और अन्य पुलिस कर्मियों को बतानी पड़ती है। इस दौरान महिलाओं को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कई बार वो अपनी बात खुलकर सामने नहीं रख पाती हैं। यही कारण है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि थानों में महिला हेल्प डेस्क बन जाने से महिलाओं को अपनी समस्या बताने में काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य में 1064 थाने हैं, जबकि 225 आउटपोस्ट कार्यरत हैं। महिला हेल्प डेस्क महिलाओं को प्राथमिक दर्ज कराने से संबंधित कानून की जानकारियां देने सहित अन्य संभावित मदद करने का काम करेगा। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से एडीजी ने एक पत्र भेजा है। राज्य के सभी जिलों को पत्र लिखकर एडीजी जितेंद्र कुमार ने इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। महिलाओं की मदद के लिए थाना स्तर पर बनने वाले इस डेस्क पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। जो महिला अपना फरियाद लेकर थाना पहुंचेगी, उनसे यह डेस्क बात करेगी। यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें थाना प्रभारी के पास भी लेकर जाएगी। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार की माने तो थानों में महिला हेल्प डेस्क बन जाने से महिला और नाबालिग बच्चियां आसानी से अपनी परेशानियां पुरुष पुलिसकर्मियों की बजाय महिला पुलिसकर्मियों को बता सकती हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि हर जिले में महिला थाना होने के बावजूद राज्य के हर थानों में महिला डेस्क बनाने का मकसद यह है कि हर जिले में एक ही महिला थाना है, जिसके वजह से दूर दराज के इलाकों की महिलाओं को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जब सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बन जाएगा तो महिलाएं अपनी नज़दीकी किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगी। फिलहाल सभी जिला अधीक्षकों को पुलिस मुख्यालय की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है। उन सभी से यह कहा गया है कि जिले में उपलब्ध बल के अनुसार सभी थानों में इसके लिए एक एक महिला जवान को तैनात किया जाए। उस महिला सिपाही का प्रशिक्षण भी करवाया जाए। कानून के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी ताकि आने वाली पीड़ित महिलाओं की मदद की जा सके। आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए और अन्याय की शिकार हुई महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके और उन्हें न्याय मिल सके। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दी गई है और उसका अनुपालन करने को कहा गया है। इसी कड़ी में अब राज्य के पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के अधीक्षकों को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया गया है कि वे जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाना सुनिश्चित करें ताकि महिलाएं अपनी समस्या से पुलिस को खुलकर अवगत करा सकें। अब बहुत जल्द बिहार के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।